हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ना मैं स्पेसिफिकली वेट कर रही थी कि नीव का मसाज हो जाए, वो सो जाए, उसके बाद ही मैं व्लॉग स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। एनीवेज, आपने पढ़ा होगा टाइटल में, तो जी हाँ, मुझे इमरजेंसी में स्टार्ट करना पड़ा है नीव का फॉर्मूला। तो अब तक ना नीव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे था और नीव का एज जो है वो है 5 मंथ्स कम्प्लीट होने में। अभी उसको बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 डेज। तो आज जब मैं शूट कर रही हूँ, आज है 5 फरवरी, 10 फरवरी को उसका 5 मंथ्स कम्प्लीट हो जाएगा और हम लोग जो उसका स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स, वो स्टार्ट करेंगे 6 मंथ से। तो बेसिकली एक महीना अभी है टाइम उसके सॉलिड्स को स्टार्ट होने में। जो लोग अभी जस्ट मदर बने हैं या प्रेग्नेंट हैं या जिनकी बेबी नीव के एज के हैं, उनको ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है। तो एक्चुअली क्या हुआ, सैटरडे को आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, मैं संडे को व्लॉग गया था, मैंने लंच के बाद अब्रप्टली अपना व्लॉग एंड कर दिया था। और उसका रीजन ये था कि जब मैं वॉशरूम गई तो मुझे पता चला मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, और मुझे लग गया शॉक, क्योंकि मैंने ये सुन रखा था कि अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। पर ऑफ कोर्स ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग पे भी देखिए पीरियड्स होते हैं। तो मुझे तो नहीं आइडिया था। तो अगर आप भी मेरी तरह हैं जिनको लग रहा है कि मैं तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूं, मुझे पीरियड्स नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हार्मोनल आजकल बहुत इंबैलेंस चलता रहता है। अब देखिए, अगर आपने पीरियड्स आपको आ गए हैं तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि आपका हार्मोन लेवल अगर ड्रॉप हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा। और मेरा बेबी जो है वो कंप्लीटली ब्रेस्ट फेड पे है, वो भी डे 1 से, मतलब उसको एक दिन भी फॉर्मूला नहीं पड़ा है। एंड थैंक्स टू हॉस्पिटल, सी सेक्शन हुआ है मेरा, फिर भी उन्होंने फर्स्ट गोल्डन आर में ही मेरी फीडिंग जो है नीव को दी थी। तो कभी हमने फॉर्मूला दिया नहीं, और टचवुड मेरा इतना अच्छा सप्लाई भी रहा है कि अगर मैं उसको ना पिलाऊं या ना एक्सप्रेस करूं तो मुझे पेन होता है, लीक भी होता है, तो इसलिए कभी कोई दिक्कत आई नहीं। पर अब सोचने वाली बात है कि अगर कभी ऐसा ना हो, भगवान करे, पर अगर ऐसा होता है कि सप्लाई कम हो, नीव बड़ा हो गया है, तो अगर उसका पेट ना भरे तो करे क्या। तो हमने लिया डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, पर वो वाली मिली नहीं हमारी, जो नीव डॉक्टर है ना वो उस दिन थी नहीं। तो हम चले गए इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, रिव्यू देख करके, एक अच्छा पीडियाट्रिशियन था, उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हो गया, एक महीने में सॉलिड भी स्टार्ट होने वाला है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉम्बो फीड, एंड यस देयर इज अ चांस कि आपका सप्लाई कम हो, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, पर बेस्ट केस सिनेरियो ये रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा स्टमक को उसके यूज टू करो। तो आप एक काम करो, आप कॉम्बो फीड स्टार्ट करो। तो हमने पूछा कौन सा दे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी दे दो, सारे फॉर्मूला जो एक जैसे होते हैं, डिपेंड करता है आपकी बेबी को कौन सा सूट कर रहा है। अब आपने कभी ट्राई किया नहीं है तो आप किसी रैंडमली से स्टार्ट कर दो। तो एक काम करो, आप लैक्टोजेन ले लो, 1 लेवल बोला उन्होंने, 0 to 6 मंथ्स का आता है, और ये पिला कोई दिक्कत नहीं है, बॉटल फीड तो वैसे भी कर रहा है, आपका मिल्क तो वो ये पी लेगा, और अपना आपका भी सप्लाई जब तक चालू है आप अपना भी देते रहो, तो कॉम्बो फीड स्टार्ट करो। उसके बाद क्या, हमने परचेस किया, घर आए, रात को एक बार ट्राई किया, टू माय सरप्राइज जैसे उसको कोई फर्क पड़ा ही ना हो, मतलब इतने महीनों से, लाइक 5 महीना होने जा रहा है, इतनी मेहनत से मैंने उसको हमेशा दिया है अपना मिल्क, चाहे मैं उसको दूं डायरेक्टली चाहे मैं दूं उसको एक्सप्रेस करके, पर उसने इतने आराम से फॉर्मूला मिल्क भी लिया है जैसे कि कोई फर्क पड़ा ही ना हो। तो बेकार का टेंशन ले रहे थे, उसके बाद भी उसको कोई ऐसा इश्यूज नहीं आया, लाइक मैं सोच रही थी गैस बनेगा, क्या होगा, वॉमिट ना हो जाए, लूज मोशन। अब होता है ना, जिन्होंने डे 1 से दिया है उनको तो ठीक है, कॉन्फिडेंस है, पर अगर आपने दिया ही नहीं है तो आपको लगता है ना कि कैसा बिहेव करेगा। पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर संडे भी हमने 2 बार उसको दिया है और मेरा सप्लाई अभी तक तो वैसा ही है, पर कुछ कह नहीं सकते। और इस बार मुझे भनक तक नहीं लगी कि मुझे पीरियड्स आएंगे। तो आप लोग भी जो भी जस्ट डिलीवरी करी है, ये मत सोचिए कि जैसे पहले आपको साइंस एंड सिम्टम्स मिलते थे पीरियड्स के, वैसे आएंगे। मुझे कोई कमर दर्द नहीं हुआ, कोई पैर दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस स्टार्ट हो गया फ्लो। तो मुझे गायने के पास भी जाना है, उनसे भी बात करना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था लास्ट मीटिंग जब मैं गई थी उनसे मिलने ऐसे चेकअप के लिए, कि जब पीरियड स्टार्ट हो जाए तो मिलना आकर के। तो मैंने तब कहा था नहीं नहीं मैम, मैं तो अभी ब्रेस्ट फीडिंग पे हूं तो मुझे होगा नहीं। तो उन्होंने कहा इनकेस हो जाए तो मिल लेना, जब हो तब मिल लेना। तो टाइम निकाल के जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे, देखे क्या बोलती हैं, क्या बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, मुझे पीसीओएस था आपको पता होगा, डिलीवरी स्टडी मैंने बताया है। तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ जाके एक अल्ट्रासाउंड भी कराऊं टू सी कि क्या कैसा है, नहीं है, सिस्ट का क्या हाल समाचार है। फिर से वो वाला टाइम वापस आ गया कि आपको अपना पीसीओएस के बारे में सोचना पड़ेगा। बड़ा आराम रहा 9 महीने और डिलीवरी के बाद, टेंशन ही नहीं कभी आई पीरियड्स की या पीसीओएस की, तो वो सब भी देखना पड़ेगा। तो यस, यही था मेरा अपडेट। तो नीव अभी कॉम्बो फीड पे मैंने स्टार्ट किया है, फिलहाल ही इज डूइंग गुड। तो अभी तुरंत तो मैं आपको डिटेल नहीं दूंगी कि कैसे मैं बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ। 2 हफ्ता उसको मुझे पिलाने दीजिए और कैसा बिहेव करता है, फिर मैं आपसे बताऊंगी कि हम कैसे पिला रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि उसको डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए। एंड अगर मेरी सप्लाई इन फ्यूचर कम होती है तो वो भी मैं अपडेट करूंगी, और अगर नहीं होती है तो कोई बात ही नहीं। सबको बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो नीवू हेलो, हाय हाय। ओ लाइट चली गई, नीवू अंधेरा हो गया। ओ नो, क्या हो गया, लाइट कैसे चली गई? हाँ, तुमको डर नहीं लग रहा, तुमको डर नहीं लग रहा अंधेरे से? हाँ अच्छा, रोशनी है,
थोड़ी रोशनी तो है। आ गई लाइट, ये जीरो, ये लो लो जीरो से खेलो, खेलो जीरो से। वेरी गुड। हाँ उसको गुल्लू कर दो, कितना प्यारा जीरो है, कितना प्यारा है, लो उसको गुल्लू कर दो। हाँ वेरी गुड जीरो। अच्छा एक वीडियो में मैंने आपसे ये शेयर किया था, ये कैरीकॉट बोल लीजिए, कार सीट बोल लीजिए, तो मुझे कमेंट भी आया था जिसका लिंक दीजिए। एक्चुअली हमारे इतने ज्यादा काम में आ रहा है ना ये लव लैप का कैरीकॉट है। आप इसको एज अ कार सीट यूज कर सकते हो अपने कार में, तो जब बेबी के साथ में ट्रेवल कर रहे होंगे तो बड़ा ही अच्छा रहता है, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। बेल्ट लगा दीजिए, बेबी इसमें आराम से बैठेगा। और मान लीजिए कि आप बेबी के साथ में जा रहे हो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो आपने उसको इस सीट पे रखा, वो यहाँ पे बैठा रहा, बाद में जब आप पहुंचते हो रेस्टोरेंट तो बस आपको इसको अपने कार से उठा लेना है, लिफ्ट कर लेना, इस तरीके से हैंडल है। एंड बेबी को इसी में लेकर के आप रेस्टोरेंट जा सकते हो, फिर वहां पे टेबल पे या सोफा पे इसको रख दो, बेबी वहां पे बैठा रहेगा, फिर वापस गाड़ी में आकर के एज अ कार सीट आप इसको इंस्टॉल कर दो। कुछ जो है वो रिमूवेबल है, विच इज बेस्ट पार्ट, कि स्पिलेज वगैरह होता है, बेबी कुछ खाता रहता है तो गिराता है, तो निकल जाता है और वॉश भी हो जाता है। इसको रॉकिंग मोड भी कर सकते हो, तो जब बेबी बहुत छोटा रहता है, आप कहीं पे डिनर गए, होटल वगैरह गए, तो इसको साइड में रख के इसको ऐसे रॉकिंग कर सकते हो, ताकि बेबी को थोड़ा अच्छा लगे, सूदिंग रहे। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप खुद के लिए चेकआउट कर सकते हैं। आज बनवाया है इसमें तो है दाल, रुकिए लाइट ऑन करने दीजिए। हाँ ये रहा दाल, अरे देखिए इसको बंद नहीं किया, इसने सूख गया होगा आटा। ओहो ये मैं रात के लिए ना अलग से आटा बनवाती हूँ, उसको इसने बंद नहीं किया, हल्का ड्राई हो गया होगा। फिर इधर में है राइस, इधर में रोटी, इधर में है सब्जी, और ये मेरे लिए दाल का पानी है, तो ये तो मैं पीती हूँ। चलिए सब्जी देख लेते हैं, आज बना है पम्पकिन की सब्जी, वो भी ऐसी रस वाली ना, बहुत अच्छी लगती है। अभी शाल लेने के बाद नीव को ये वाले कपड़े पहनाए, और अभी अभी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। पूरा ये वाला पार्ट है ना चबा चबा के इसने वेट कर दिया है, ये पूरा ये कॉलर है इसके मुंह में इजीली आ जा रहा है, ये पूरा वेट कर दिया है इसने। अब इसको लग जाएगी ठंड, तो बदलना पड़ेगा, तो डालना पड़ेगा रोमपर। तो ये वाला ग्रीन वाला नींबू को पहना दिया, तो ये क्या है ना फुल है रोमपर है, आज थोड़ी सी ठंड है। और अंगद को मैंने बोला तुम पीछे से चोटी बांधो, देखो अंगद कैसे चोटी बांधता है, देखो तो हो गया। तीन टर्न करना, मतलब दो और, एक चोटी तो फिर भी करवा लेता है आसानी से, ये दूसरे में अलर्ट हो जाता है, तो दो जब बांधना हो तो फर्स्ट में ये समझ जाता है अच्छा ये लोग चोटी बांध रहे हैं, फिर तीसरे में जो है ऐ ऊ चालू करता है। यस हो गया, वेरी गुड, नींबू को बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई ना, देखो पापा ने कितने अच्छे से चोटी बांध दी नींबू की, लुकिंग सो नाइस। हमारा फाउंटेन कितना बढ़िया फाउंटेन बनाया, कितना सुंदर फाउंटेन है नींबू, फाउंटेन चोटी भी हो गई और कपड़े भी अच्छे हो गए। अब इसको गीला नहीं कर पाता है ये, क्योंकि ये उतना खींच नहीं पाएगा ना। भी सो रहा है, अंगद की भी चल रही है मीटिंग, तो इस टाइम पे दोपहर को मैं फ्री रहती हूँ तो कुछ ना कुछ टीवी पे देख लेती हूँ। तो अभी रिसेंटली हमने नेटफ्लिक्स का फिर से सब्सक्रिप्शन ले लिया, लास्ट मंथ में प्रेगनेंसी के हटवा दिया था कि अब तो आगे टाइम मिलेगा नहीं, तो बेकार का क्यों पैसा देने का, 650 रुपए लगते हैं, पर अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पिछले हफ्ते ही हमने वापस से सब्सक्राइब किया कि ठीक है बहुत कुछ इकट्ठा हो गया होगा, तो देखना स्टार्ट करेंगे। तो एक है मूवी थ्री ऑफ अस करके, तो ये मैं अकेले ही देख ले रही हूँ कि थोड़ा स्लो मूवी है, अंगद को ऐसा पसंद नहीं आता, बहुत ही स्लो है, पर मुझे पता है कि बहुत ही अच्छी मूवी होगी, थ्री ऑफ अस नाम है, तो मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ। और जब मैं इस टाइम पे फ्री होती हूँ तो मेरा रोज का रूटीन है कि दोपहर को बैठ करके एक बारी मैं एक्सप्रेस कर लेती हूँ, दिन में दो बारी एक्सप्रेस करती हूँ, तो रात का 2 फीट का तैयारी करती हूँ नींव का, तो दोपहर को क्या होता है कि 1 फीट की तैयारी कर लेती हूँ। तो रूटीन के हिसाब से वैसे ही मैंने कपड़े चेंज कर लिए और आकर के बैठ गई कि मूवी भी देखूंगी और एक्सप्रेस कर लूंगी। तभी लेने के लिए गई उस रूम से चार्जर, चलो चार्ज नहीं है पहले चार्ज कर लेती हूँ 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद में अपना करूंगी। तो अंगद ने बोला कि क्या ले रही हूँ, मैंने कहा चार्जर ले रही हूँ, तो क्यों, तो मैंने कहा एक्सप्रेस कर लेती हूँ। तो उसने बोला क्या जरूरत है एक्सप्रेस करने की, रात को 1 फीट जो है वो तो हम लोग ये देंगे, फॉर्मूला देंगे, तुमको भी तबियत खराब है आराम करो लेटो, 1 ही का फीट का तुमको इंतजाम करना है ना, तो कर लेना शाम को। फिर मुझे हिट किया, अरे हाँ ना ये तो अभी करना नहीं, एक्चुअली ऐसी आदत हो गई है ना, 5 महीने जो है लाइफ ऐसी ही चली है कि ठीक है नींव का अभी एक्सप्रेस करके रखना है, ऐसे ठीक है अभी इसको फीड करवाना है, तो मतलब जो रूटीन है तो वो उस हिसाब से सेट हो गया है। तो देखिए ऐसी आदत हो जाती है इंसान को, जब स्टार्ट हुआ था ना तब लग रहा था कि अरे यार कितना बंधा बंधा सा लग रहा है, टाइमली करना पड़ेगा, बैठना ही बैठना है।
तो ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होती है, स्टिचेस होती है, तो आपको बहुत लगता है कि अरे बैठ रहे हैं टाइम निकाल करके सब कुछ के बीच में, तो एक क्योस रहता है। फिर वही केओस आपकी रूटीन बन जाती है। वैसे मैं ये जो रो रही हूँ जस्ट हॉर्मोन्स आई गेस, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। और ना मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। इनफैक्ट मुझे तो भरोसा भी नहीं था कि मैं 5 महीने भी नहीं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे PCOS है। आपको पता है PCOS में इतना हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होता है, उसके पहले आपने ट्रीटमेंट करवाया रहता है, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर नहीं हो पाएगा तब तो स्टार्टिंग से फॉर्मूला पे रखेंगे या फिर कॉम्बो करेंगे या क्या पता सिर्फ फॉर्मूला पे रखना पड़े, ऐसा जो होता है ना दिमाग में आता है। पर फिर लगता है सोच के कि वाह इतने महीने आपकी बॉडी ने आपको लिटरली सपोर्ट किया। लोग कहते हैं PCOS है कंसीव नहीं हो पाएगा, अरे आपको PCOS है आपका डिलीवरी में ये होगा या फिर आपका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाएगा, पर देखिए सब कुछ कर सकता है आपका बॉडी। और इतना ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इतने महीने उसी रूटीन पे मैं करती रही और मुझे बॉडी ने सपोर्ट किया, शायद अभी भी सपोर्ट करे। वो तो हम अपने डर से या अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के वजह से कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भगवान पे नहीं छोड़ना है, अपना भी दिमाग लगाना है, पर बॉडी कर सकता है। तो जिन लोगों को भी PCOS है सोचते हैं कि उनकी बॉडी ये नहीं कर पाएगी वो नहीं कर पाएगी, ऐसा होगा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बॉडी जो है ना एकदम मैजिक है, तो वो सब कर पाएगी। बस आपको यहाँ से पॉजिटिव रहना है और आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे, आपके बेबी भी होगा अच्छा हेल्दी भी होगा और आप उसको अच्छे से फीड भी कर पाओगे। एंड अगर नहीं भी कर पा रहे हो फीड, मैं हमेशा ये चीज़ें सबको बोलती हूँ, पता नहीं आज मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, कि अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप स्टार्टिंग से भी दे सकते हो फॉर्मूला, बहुत लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉर्मल। लेकिन जब आप खुद से फीड कर पाते हो ना, उसको एक अलग लेवल की आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है और लगता है कि हाँ फाइनली, क्योंकि ना इतने ईयर्स जब आप इनफर्टिलिटी की जर्नी में रहते हो ना, तो अपने बॉडी को बहुत कोसते हो कि मेरी बॉडी में ये कमी है वो कमी है, तो बहुत सालों तक आप अपने आप को बहुत कोसते हो। और बाद में जब आप हर एक स्टेप कर पाते हो ना पूरा मदरहुड जर्नी का, तो बड़ा बड़ा अच्छा बड़ा प्राइड सा लगता है। ये फीलिंग जो है ये बस एक मदर ही समझ सकती है, अंगत नहीं समझ सकेगा। मैं उसको उस दिन भी बोल रही थी लाइक संडे को कि ऐसा मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि पता नहीं एकदम से बंद होगा तो कैसा लगेगा, तो लाइक क्या ऐसा दीपक लगा रही, तुमने इतना बड़ा उसको कर दिया है, वैसे भी सॉलिड्स पे उसको जाना ही है, कितने लोग तो 5th मंथ से भी सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। तुमने कहा हाँ बात तो सही है, पता नहीं बस चलिए थोड़ा थोड़ा वो हिल रहा है, मैंने कैमरा लगा रखा था थोड़ा बहुत हिल रहा, देख के आती हूँ। ये देखिए रीवू क्या पहना है, कैप, डिज्नी कैप, सो नाइस कैप, फिटिंग तो सही आ रही है। मैं सोच रही थी कि थोड़ा ढीला होगा पर नहीं, वाह नीवू बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीवू उसको भी अच्छा लग रहा है, पता है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट डिलीवर हुआ, मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेते हैं कैसा लगता है। वाह अच्छा, दिखा दो इसको भी, दिखा दो मिरर में, दिखा दो नहीं वो, देख लेते हैं चलो, ये लाइक इट, ये लाइक इट, बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है नहीं वो निकाल भी नहीं रहा है कैप की तरह खींच करके, वाह कैसा बड़ा बड़ा लग रहा है, ये पहनते ही चेंज लग रहा है नीबू। तो नीबू के लिए ना मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, तो हर मंथ ना इसे कुछ कपड़े मैं ऑर्डर करती करती हूँ, और पहले वाले जो है वो थोड़े से छोटे टाइट तो हो ही जाते हैं, तो इस बार जो मैंने मंगाए ना वो सारे देखिए 6 to 9 months वाले मंगवाए हैं। वैसे तो अभी 5 months का वो कंप्लीट करेगा, पर मंगवाएंगे तो 6 to 9 ही सही रहेगा, तो कुछ दिन तक चलेगा। ये वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसमें देखिए ऐसा क्लाउड है, 3D क्लाउड है, मतलब ऊपर से, तो हर बार जब धोऊंगी ना तो इसको उल्टा करके धोऊंगी, वरना पता चला कि यही निकल गया तो खराब हो गया, मतलब खराब तो क्या ही होगा, निकल भी जाएगा तो भी अंदर तो कुछ रहेगा ही कपड़ा अच्छा। पर हाँ ये मंगवाया है, फिर एक ये वाला जो है ना ये एक्चुअली पहले भी नीव के पास था, मतलब ये मैंने उसके लिए मंगवाया था न्यूबॉर्न के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता था उसके ऊपर, फिर वो तो छोटा हो गया, तो ये दिखा तो मैंने कहा चलो 6 to 9 वाले में फिर से मंगवा लेते हैं, इसका जो मटेरियल है ना वो भी थिक है और ये दिखने में भी बड़ा क्यूट लगता है। उसके बाद एक ये मंगवाया प्लेन रेड है, वैसे तो कुछ खास नहीं है, पर उसके पास ना रेड कपड़े कम है, मतलब हम जनरली उसको पेस्टल शेड्स पहनाते हैं ना, तो सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा डार्क कलर भी पहनाते हैं, वैसे भी धीरे धीरे कुछ सॉलिड्स खाना स्टार्ट करेगा तो गंदा करेगा तो डार्क ही काम आएगा। फिर एक ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये पूरा मल्टी कलर है और कितना सुंदर सुंदर देखिए इसमें ये बना हुआ है,
बेबी हग ब्रांड का है, ये भी 6 to 9 months, तो ये भी मंगवाया, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो हाँ, ऐसे 4 कपड़े इसके लिए आए हैं, सबको वॉश करूंगी, और एक वो वाला कैप भी मंगवाया था। तो हम लोग गए थे वॉक करने के लिए नीचे नीवू को लेकर के स्ट्रॉलर पे, वहां से वॉक करके आ गए। वॉक करते करते नीवू स्ट्रॉलर पे ही सो गया तो थोड़ा लंबा और घुमा दिया कि ठीक है नींद थोड़ी सी पूरी हो जाए, क्योंकि एक बार वहां से उठाएंगे घर लाएंगे तो उठ जाएगा। तो आज जो नैप टाइम है वो नीवू का स्ट्रॉलर पे ही पूरा हो गया। सर देखो, ऑरेंज बोगी में जीरू, येलो बोगी में जीबू, और रेड एंजिन है, एंजिन में कौन है, बैरू है। सब लोग बैठे हुए, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे भाई, ट्रेन में कैसे जा रहे सब लोग, तुम जाते हो ना कार में बैठ के, कार में कैसे जाते हो तुम? वैसे ही सारे फ्रेंड्स जा रहे, जीरू जीबू एंड बैरू सारे फ्रेंड्स जा रहे ट्रेन में। कितना इंटरेस्टिंग है, वाह, मजा आया ना। और ये क्या है, इसको टच किया तुमने, इसको टच करो, देखो टच करो, इधर में ऐसे करके, ऐसे इधर में फील करो, यहाँ पे, हाँ, वाओ। ऐसे प्यार से कैमरा को देखता है ना कि मुझे इतनी हंसी आती है। अभी कैमरा ऑन किया और ना इसको पता चल गया कि कैमरा ऑन है, और ये कैमरे की तरफ देख के स्माइल दे रहे। और मैंने ना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी, तो बस मैं स्क्रीन पे देखती हूँ कि ये कैसे हंस रहा है। आजकल के बच्चे पता नहीं कहाँ से ये सब सीख करके आते हैं, सच में। उसको पता भी चल रहा है कि मैं ना एक्चुअली इसी पे हंस रही हूँ, तो उसको पसंद नहीं कोई उस पे हंसे। एनीवेज, इसको लेके यहाँ पे मैं खेल रही हूँ, अंकित बना रहा है रोटी, उसके बाद में हम लोग फटाफट डिनर करेंगे, तब तक में इसका फाइनल जो है नाइट टाइम हो जाएगा, मतलब रात में सोने का टाइम हो जाएगा। उससे पहले ना खूब खेलता है, तो हम लोग खाना वाना खा लेंगे, फिर आधा घंटे खेलेंगे इसके साथ में। मतलब सोने से पहले ना इतना एक्टिव हो जाता है, इतना खेलता है, और हम लोग भी खेल ले देते हैं कि ठीक है चलो एनर्जी जो भी है वो उसका यूटिलाइज हो जाए, फिर थक के ही सोएगा तो अच्छे से फिर सोता है। तो खाना खाने के बाद में आधा घंटा तो फैमिली टाइम, मतलब कुछ ना कुछ खेल कूद चलता ही रहेगा, वो होगा। भी देखिए कितने ध्यान से कराइए तो फिर नहीं बात करेगा, पर कैमरे में वैसे बहुत देखेगा। आज ना मेरा मूड बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, सुबह उठी थी सोकर के मूड अच्छा नहीं था, फिर थोड़ा सा बेटर हुआ, मेरी कुक आई थी उससे बातचीत करके, फिर इसकी मसाज वाली आंटी आई उससे बातचीत करके, फिर मूड थोड़ा सा खराब हो गया, फिर ठीक हो गया शाम को, फिर थोड़ा सा खराब हो गया, फिर अभी ठीक हो गया। बहुत अप एंड डाउन आज जो है मेरा मूड का होता है, जो जनरली ऐसा होता नहीं है, पर आज तो खैर। एनीवेज, चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और ये ऐ ऐ कर रहा है क्योंकि इसको है कि चलो बाहर लेके चलो घुमाओ, यहाँ पे क्यों रखा है, चल रहे हैं नीबू, 2 मिनट्स। क्या हो गया तुमको नीबू? क्या बोल रहा था बोलो